आप देख सकते हो ये जो छोटा वाला टेल आईडी है ये, तो अभी जो भाई इसका जो नंबर प्लेट है ओपन होने वाला है, ये हाफ पूरा का पूरा हाफ यहाँ पे बाहर पे आ गया है। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज जो होने वाला है वो MT-15 का टेल्ड आईडी मॉडिफिकेशन होने वाला है। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास MT-15 कहाँ से आया, तो मैंने पिछले वीडियो में जो ओनरशिप रिव्यू दिया था MT-15 का, तो मेरा दोस्त का MT-15 है, 2023 मॉडल है, BS6 वाला मॉडल है, तो उसका मैंने रिव्यू दिया था, एक ओनरशिप रिव्यू, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हो। तो उस बाइक का आज टेल्ड आईडी मॉडिफिकेशन होने वाला है, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि टेल्ड आईडी कैसे कैसे मॉडिफिकेशन करता है और पूरा डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा। तो आज को तो मैं RS को नहीं लेके जाऊंगा मेरा गाड़ी को, और मैं अभी थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त आएगा यहाँ पे और मैं उसके साथ ही जाऊँगा, आपको पूरे डिटेल्स में हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे उसका मॉडिफिकेशन होने वाला है। तो चलो मिलते हैं वीडियो पे। तो गाइस अभी देख सकते हो इसका जो सीट कवर है ओपन होने वाला है, तो अभी तो इसका जो टेल आईडी है ये चेंज होगा और उसके बाद उसका जो आपको ये वाला पहले ओपन करना पड़ेगा। तो अभी ये देख सकते हो थोड़ा सा क्या है, अभी इसका जो इंडिकेटर का वायर है वो हम यहाँ से डिसकनेक्ट करना पड़ रहा है, नहीं तो एक वायर यहाँ पे यहाँ से नहीं चलेगा। अलग रहता है, चारों का वैसा इधर करना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हो ये फाइनली ओपन हो गया है, ये आईडी का देखो, अब यार नंबर प्लेट भी ओपन हो जाएगा। सुपर लाइट की तरह रहा है, लाइट देख सकते हो यहां से अंदर की लाइट, अभी देख सकते हो पूरा का हाफ हाफ पर पैर है, पूरा सा बाहर आ गया है, तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा दिखा है, बड़ा की तरह दिख रहा है अभी। तो उसके बाद जो छोटा, तो ये अभी आप टेल आईडी को देख सकते हो यहाँ पे ये जो 4 स्क्रू है इसको ओपन करने के बाद ही ये निकल आता है। और अभी तो क्या होने वाला है, इसका जो नंबर प्लेट है ये भी खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो कैसे कैसे ओपन करता है इसको। तो अभी गाइस आप देख सकते हो ये जो छोटा वाला टेल आईडी है ये अभी इसमें फिटिंग होगा और यहाँ पे नंबर प्लेट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से ये जो है यहाँ पे रहेगा ऐसे वाला, ये सिर्फ नंबर प्लेट लगाने के बाद, अगर आप नंबर को क्लोज करना चाहते हो तो ऐसे क्लोज कर सकते हो। तो चलो अभी ये फिटिंग होगा, आप देख सकते हो। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे जो ये टेल आईडी फिटिंग हो रहा है अभी पूरी तरीके से। तो यार और तो ना था
আমি কথা আসলে দাদা কথা নিজে ভুলে যাচ্ছি तो भाई अभी देख सकते हो इसको फिटिंग करने के बाद इसका जो चाबी का लॉक है आप थोड़ा सा देख लेना, इसका चाबी का जो लॉक है सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो आप इसको देख ले सकते हो चाबी का लॉक काम कर रहा है कि नहीं, नहीं तो अगर एक बार सीट लॉक हो जाएगा तो उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा चेक कर लेना। तो अभी जो भाई इसका जो नंबर प्लेट है ओपन होने वाला है, देखो इसको ओपन करके वहाँ पे लगाएगा। तो ये देखो ये पूरा नंबर प्लेट आ गया मेरा हाथ पे। तो अभी जो है क्या होने वाला है, अभी इसमें फिट होने वाला है तो आप देख सकते हो। अरे देख सकते हो यहाँ पे हायाबुसा जाना है, देखो ये निकल गया हायाबुसा। चलो भाई देख सकते हो यहाँ पे पंचिंग वगैरह नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे नॉट देखिए इसको टाइट करना पड़ रहा है। तो नंबर पे फिटिंग हो रहा है यहाँ पे नॉट बोल्ट से। तो ये देखो नॉट यहाँ पे लग रहा है। इसका जो नंबर प्लेट वगैरह है सब कुछ फिटिंग हो गया है। अभी तो इसका जो इंडिकेटर है ये दोनों अभी तो यहाँ पे नहीं है इंडिकेटर, तो दूसरी जगह जाके इंडिकेटर को फिटिंग करना पड़ेगा। तो अभी जो इसका जो काम है आप देख सकते हो, ये देखो यार अभी इसका लुक देखो, अभी इसका लुक देखो भाई कितना खतरनाक लग रहा है MP। तो अभी जो पुलिस पकड़ के चक्कर में आपको अगर नहीं पढ़ना है तो इस नंबर प्लेट को ऐसे करके ओपन कर देना, तो उसके बाद यार पूरा सीन खलास। तो भाई अभी देख सकते हो MT का पूरा सा लुक चेंज हो गया है। ये देखो टेल आईडी आप देख सकते हो, टायर आप भी देख सकते हो, पूरी हाफ पूरा का पूरा हाफ यहाँ पे बाहर पे आ गया है। और इसका जो लुक है भाई वो जो पीछे वाला टायर है उसका हाफ हूलिगन टाइप का लुक आ रहा है। तो आप देख सकते हो इसका ये जो नंबर प्लेट वाला है ना हो गया है, आप ये देख सकते हो। और इसका जो ग्रिल आईडी है
तो भाई इसके साथ एक और भी गाड़ी है और वो है सानी का गाड़ी है, ठीक है। अब देख सकते हो इसका एक BS4 वाला MT15 है, तो इसका जो एक ये आपको दिखा रहा हूँ, तो एक दे लो, ये आप देख सकते हो थोड़ा गाड़ी वाड़ी आ रहा है। इसका भी कुछ कुछ मॉडिफाई हुआ है, ये देखो ये एडजस्टेबल ब्रेक है, एडजस्टेबल क्लच है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो साइड का गार्ड यहाँ पे लगाया है, तो इसका भी एक वीडियो आपको दूंगा, तो बहुत ही जल्दी आएगा MT BS6 वर्सेस BS4 का एक कंपेयर वीडियो आने वाला है, तो आप देख सकते हो चैनल पे जाके। अभी हम बनाएंगे इसके ऊपर वीडियो, तो थोड़ा सा सानी को टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो चलो अब देख लो एक बार, ये जो BS4 वाला है और इसका भी सारी गाड़ी यहाँ से निकल रहा है। सानी ने मेरे बाइक को देख के अभी तो उसका जो लुक एकदम ज़बरदस्त लग रहा था, तो ही उन्होंने सानी ने डिसाइड किया तो इसको भी निकल देगा, तो ये भी निकल रहा है BS4 वाला का, आप देख सकते हैं। तो इसका अभी टेल आईडी अभी नहीं लगाया है। तो अभी जो भैया का शॉप है आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आके आप सब कुछ मॉडिफाई करा सकते हो, यहाँ पे आप सामान वगैरह ले आ सकते हो, आके यहाँ पे मॉडिफाई करा सकते हो। तो भाई अभी जो MT का मॉडिफाई आपने किया है, तो सभी गाड़ी में आप मॉडिफाई कर सकते हो, हाँ सभी गाड़ी में होता है यहाँ पे, तो भैया ने बोल दिया है सभी गाड़ी में होता है। तो यहाँ पे अभी जो MT का ग्रिल लगाया है भैया ने और टेल आई लगाया है, उसका सिर्फ कॉस्ट लिया है 400 रुपीज़, ठीक है। तो 40 रुपीज़ में भैया ने सब कुछ कर दिया है, तो यहाँ पे आके आप सब करा सकते हो काम वाम, तो बहुत ही चीप प्राइस में यहाँ पे काम हो सकता है, तो ठीक है भैया के पास आ जाना। और आके आप यहाँ पे पॉपुलर बाइक सर्विस सेंटर सोरिसा आश्रम मोड़ में पड़ता है, तो आप यहाँ पे आके सब कुछ करा सकते हो। अभी यहाँ पे MT का सब कुछ काम खत्म हो गया है, तो अभी चलो घर की तरफ जा रहे हैं हम, तो चलो यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तो भाई चैनल में अगर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना भाई, सपोर्ट कर देना। तो चलो अभी हम यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं।